मोमिन भाई। जी जी सभी भाइयों को आदाब। भाई आदाब आदाब भाई। आदाब। जी भाई एक लहजे में रहकर तो बात कर सकते हैं ना भाई बोलिए। यार। आप लोग क्यों देश का माहौल खराब करने पर तुले हो भाई? देश का यार हमारी कुछ नहीं चल, घर में भी नहीं चलती यार भाई, हमारी घर में भी नहीं चलती। आप देश की बात कर रहे, हमारे पास क्या है बोलिए आप, क्या है हमारे पास? ना कोई पावर है, ना कोई ताकत है, ना कोई पहुंच है। ये जो इंटरनेट के रहमो करम से ये जो एक यूट्यूब चैनल है, आ जाकर बस उस पर कुछ बात कर लेते हम लोग। हम क्या देश की हालत खराब करेंगे यार? नहीं, ये बात सुन के गैर मुस्लिम लोगों का जो है ना, वो उनका हाई पावर हाई होता है, तो फिर अरे हम भाई लोगों का जीना किसकी मुश्किल हो आबादी जाएगा। है, हिंदुस्तान की मोमिन भाई आबादी वो किसकी उनका है? नहीं होता है। देखिए जो ये चैनल कर रहा है, ऐसी चैनल उनकी जो नॉन मोमिन है उनके अगेंस्ट में भी चल रहे होते हैं, तो आपकी एल्गोरिदम आपको यही चैनल सजेस्ट करती है। तो मसला ये है ना, आप सारी चीजें फॉलो करिए। वो कभी नहीं आके कोई कहता कि देश का माहौल खराब हो रहा है, ये बकवास है, ये छोड़ दीजिए इसको, पीछे छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सच्चाई सच्चाई रहेगी। हाँ, ये बात तो सच है। सच्चाई हमेशा सच्चाई रहेगी भाई। और फिक्र और डर की क्या बात है मोमिन भाई उसमें? अगर कोई बोलना उसमें भी ये है किया कि ना। 1,000 लोग सुन रहे हैं हमको, और दस हाँ बारह जी, हजार 13,000 15,000 तक के व्यूज आ जाते पूरे एक वीडियो को, ठीक 140 करोड़ के आबादी वाले मुल्क में, ये 5-10 हजार लोगों को आप पूरे देश में नफरत फैलाने और भड़काने वाली की मिसाल दे देते आप, हैरत होती आप लोगों को। नहीं सर, चिंगारी तो हमें चिंगारी तो हमेशा छोटी सी होती है ना सर। नहीं तो चिंगारी आप भी नहीं है चिंगारी का भाई, काम कर रहे हैं जी। 140 करोड़ में 10,000 क्या होते? चिंगारी मान लीजिए, अच्छा तो वो चिंगारी में इतना पोटेंशियल होता है कि वो पूरे 140 करोड़ को लेके डूब जाएंगी। अच्छा अब्दुल भाई थोड़ा सा जवाब दे दूं इसका मैं, एक जरा सा इनको। जी जी देखिए जी जी मोमिन बोलिए। साहब, ऐसा है कि हर 10 साल, 2012, 2002, 1992, 84, जी 82, 77, हिस्ट्री पढ़ी है अपने भारत की, तो यूट्यूब यूट्यूब में लोग नहीं थे, है ना? ठीक है। हाँ बिल्कुल। आप उन्हीं चीजों से डर रहे हैं ना, मसला वही आपको लग रहा है ना? हाँ, कुछ वो तो है ना, आप लोगों के बात देखिए सुन के लगता है कि मुसलमान हिंदुओं को इटालियन मारने के इटालियन लिए माफिया के जो जो वर्ड होते हैं या उनकी लैंग्वेज में इसे बैड ब्लड का साफ होना कहते हैं, ठीक है? तो ये अच्छा पहले होता रहा है, अब नहीं हो रहा है ना, दुनिया बदल गई है ना, क्योंकि इंसान हर तरीके की चीजें देख रहा है, दोनों तरफ की चीजें देख रहा है, हर तरीके की नहीं तो दोनों तरफ की चीजें देख रहा है। और नहीं हुआ, 2022 चल रहा है, तो ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए, खुली खुले दिमाग नहीं, से चीजों को समझना शुरू करिए, चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। तो खाली मेरे एक भाई एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा अपने सर पर बिठा करके घूमने का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, तो इस चीज को तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि कोई, जैसा कि अब्दुल भाई ने कहा कि 140 करोड़ के देश में अगर 10,000 लोग देख रहे हैं या 12,000 देख रहे हैं, उससे माहौल खराब हो रहा है, तो पहली चीज तो माहौल खराब होने वाली बातें नहीं होती हैं यहाँ, शायद आपको लगता सुन ली है। नहीं पूरी, पर शायद आपको मैं समझा नहीं पाया या मैं कह नहीं पाया। बताइए। जैसे कि आप लोग इस टीम पे बैठकर सब लोगों से कहते हैं ना कि मुसलमान काफिरों को मारने के लिए, उनके नबी ने कहा काफिरों को मारने के लिए उनकी औरतों के साथ ये वो सब चीजें, तो ये कोई अगर गैर मुस्लिम सुने तो वो अपने ऊपर ही तो लेगा उसको चीज को, ये बात मेरे सही है, बारे में ऐसे कहा बात गया। सही है, बात सही है, तो बिल्कुल फिर सही है जो आपका। मेरे तो चार आप दोस्त ये कह हैं रहे हैं गैर कि जो मुस्लिम, तो कुरान फिर में एक बार लिखा सुन तो है वो लीजिए, क्या मेरी भी बताया बात सुन जाएगा? लीजिए। आप तो बोलते रहते हैं, सारा दिन बोलते होंगे सर, आज मेरी बात सुन लीजिए। चलिए दो मिनट के बोलिए। लिए प्लीज, आपसे लहजे में रहकर बात कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से बड़े भाई की तरह बात कर रहा हूँ आपसे जी। तो जो मेरे चार दोस्त हैं वो उनका फिर देखने का नजरिया तो बदल जाएगा ना फिर, मुझे बस यही डर सता रहा है और कुछ। बोलिए आप बोलिए। तो अब आपके डर की वजह से हम बोलना, सच बोलना क्यों छोड़ देंगे, ये बताइए ना। देखिए पहली चीज जो आपने कही नहीं कही
कि इस्लाम में लिखा है कि काफिरों से ना मिलो, उनके गले काट दो, हम ये कहते हैं या सचवाड़ा साहब ये कहते हैं, तो हम पहली चीज तो झूठ नहीं कह रहे हैं, ऐसा तो कुरान में लिखा है ना, वो तो आयतों का रेफरेंस भी देते हैं, लिखा है ना लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अब देखिए उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारा मकसद ये है कि आप इन चीजों से दूर होते जाएं, आपकी बुद्धि खुले और इन जहालत की बातों से दूर हो जाए आप, मैं कुछ और अपने अपने मुआशरे की अपनी कम्युनिटी की तरक्की पे काम करें। सुबह शाम 5 बार मत्था पटकने से कुछ नहीं हासिल होने वाला, आप जिस काम में लगे हैं उस काम से हमेशा ये चीज आपको डिविएट करती रहेगी। हम चाहते हैं आप उन चीजों से दूर होते जाए जो चीजें आपको किसी चीज में शिद्दत के साथ मशगूल होने से मना करती हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल समझ रहा हूँ, थोड़ा साथ की बात सुन रहा हूँ जी। तो हमारा मकसद इतना ही है। अच्छा, हम कोई झूठ बोल रहे हो, हम कह रहे हो कि अपनी मनगढ़ंत बातें बता रहे हो, या सच वाला साहब की बात करो, मैं हम का मतलब सच वाला साहब, ठीक है, कुछ मनगढ़ंत बातें बता रहे हो तो आप जरूर कहिए कि भाई ये तो आप जो है सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुरान हाँ, बात ये चीजें लिखी हाँ, है और हम यहाँ पे कुरान हाँ, की बुरी चीजें बताने के लिए है, तो हमने नहीं ठेका उठाया कुरान की अच्छी चीजें बताने के लिए। कुरान की अच्छी चीजें बताने के लिए मौलवी हैं, मुल्ला हैं, बता रहे हैं, सैकड़ों सालों से बता रहे हैं। तो उन्हीं लोगों ने तो हमें आज तक, अगर चंद लोग कुरान की दूसरी जो जो पहलू है उसको लोगों के सामने रख रहे हैं तो उसमें तो कोई बुराई नहीं नजर आती मुझे, चंद ही लोग हैं ना, और आपको उससे डर हो जा रहा है कि आप ये तोहमत लगा दे रहे हैं कि समाज में बुराई फैला रहे हैं। देखिए, समाज में जो लोग पहले से बुराई समझते थे, इन चीजों को बुरा समझते थे, पहले से किसी प्री कंसीव नोशन के साथ जीते थे, वो लोग आज भी जीते रहेंगे, है ना। जो समझदार हैं वो पूरी तरीके से चीजों को समझेंगे और फिर वो रिएक्ट करेंगे। इससे ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि आपको किसी तरीके से मोमिन रहते हुए आपको किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचेगा, ये मेरा आपसे वादा है मोमिन साहब, ध्यान रखिएगा। बहुत छोटी बात, आप एक पार्टी का एजेंडा जो आपके दिमाग में डाल दिया गया है उसको लेके मत चलिए, खुले दिमाग से चलिए, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी क्या हो रहा है। तो मेरे भाई, अच्छा मैं कुछ बोलूं? जी जी हमने हाँ, बचपन से हम देखते आए, हमारे वाले साहब के दोस्त भी हिंदू रहे हैं, हम उनके घर में आ जा सब कुछ रहा है, हमने तो किसी को नहीं मारा आज तक यार, ना किसी को कभी 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 ना कभी उसको उसको उस निगाह से देखा कि मैं इसको मार दूंगा यार, कभी नहीं भाई। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है ना, बात यहाँ पे टैक्स की हो रही है, ठीक है। लेकिन मोमिनों की लिस्ट में जब आपने मोमिनों का बंटवारा अलग खड़ा कर रहा हो तो उस पेरिस में मैं भी तो आता हूँ कहीं ना कहीं, इसी उम्मीद अगर उसी हक मैं उसी अगर आप लोग परचम उठाए घूम रहे हैं, सुनिए मेरी बात मोमिन साहब। कबीर भाई एक मिनट जी, ये भाई से मैं पूछना चाह रहा, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद आज तक आपने नहीं मारा, ये भी बात सही है, दुरुस्त है अपनी जगह, लेकिन आपके अंदर इनबिल्ट एक पैनिक बटन भी तो है ना भाई मोमिन भाई। कौन सा? अगर आपके साथ कौन सा भाई? ये नुपुर शर्मा वाला, यही तो पैनिक बटन है आपका, आपकी नहीं आ तो हम आपकी हदीस से कोई बातें आपके सामने रख देंगे तो आप गला काटने के लिए तैयार हो जाएंगे, यही तो पैनिक बटन है आपका। नहीं भाई, हमें तो नहीं उसका गला काटा, देखने के अपने कुरान को देखने के सामने वाले को कहेंगे कि भाई तू नफरत फैला रहा है और तेरी तो एक ही सजा है मजहब में लिखी हुई हमारे सरतन से जुदा। तो अब्दुल हमीद भाई, क्या हम ऐसे नहीं जी सकते कि हम शांति से जी सके, मोमिन बन के भी ना किसी को मारे ना कुछ? मुझे एक बात बताइए, अभी नुपुर शर्मा की बात करी अब्दुल भाई ने, आप दिल से बताइएगा, देखिए अगर आप सच बोलेंगे तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा यहाँ पे, इतनी जो भी जनता देख रही है, इंसान का दिल फैसला करता है जी, आपका दिल एक बार भी नहीं किया कि उस औरत के साथ गलत होना चाहिए, एक बार भी आपका एक सेकंड को भी दिल नहीं किया मोमिन रहते हुए कि उसने आपके नबी की शान में गुस्ताखी करी, गुस्ताखी तो आप कहते हैं, उसने तो सत्य बोला। गुस्ताखी तो सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि उसने गलत करा, लेकिन उसके शब्द सुने तो उसने कुछ भी गलत नहीं कहा, सुनने में लग रहा है वो, हम उस पे नहीं जा रहे, उसने सही कहा गलत कहा वो कोर्ट डिसाइड करेगा, हमें ये बताइए कि
कि आपका जो परसेप्शन है या आपको फौरी तौर पे जो चीज समझ में आती है वो ये है कि उसने बेहुर्मती करी है ना, करी कि नहीं करी, आपको नहीं। ये लगता है कि नहीं? अच्छा नहीं, नहीं जो था उसने वही, जो था उसने वही तो बताया था। हाँ तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो फिर जब आपको नुपुर शर्मा से कोई दिक्कत नहीं है, उसने आपके हिसाब से सही बोला, तो हम भी वही कह रहे हैं जो सही है, जो लिखा है टेक्स्ट में, तो आपको हमसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो बदनाम नहीं, तो हो गई आप लोग। भाई देखिए, भाई देखिए ऐसा है, प्रेशर जो बिजनेस प्रेशर होता है दुनिया में सबसे बड़ा प्रेशर होता है, धंधा नहीं होगा रोज तो रोजी नहीं होगी। एक हमारा कहावत है, रोजी से रोजा होता है। रोजी से अगर रोजा, आपके पास हाँ। जी, तो अगर आपकी रोजी नहीं सही चल रही है तो आप रोजा रखने लायक नहीं रह जाते हैं। ठीक है, फांके करेंगे जरूर, वो रोजा नहीं कहलाएगा, पहली चीज। तो किसी भी कंट्री की भी अगर किसी चीज से रोजी चल रही है, अरब ममालिक सारे अगेंस्ट हो गए थे, भले उन्होंने नहीं समझा कि क्या कहा है नुपुर शर्मा ने, क्या नहीं कहा, एक एक तरीके से एक बबल सा क्रिएट हुआ और उस चक्कर में उन्होंने रिएक्शन दिया अपना, जो कि ठीक भी है, क्योंकि वो किसी किसी हस्ती को इतना मानते हैं, मुस्लिम ममालिक हो या मुसलमान हो, और उनके बारे में उन्हें लगा कि गलत कहा गया, भले गलत कहा गया हो या ना कहा गया हो वो अलग बात है, तो उन्होंने रिएक्शन दिया। अच्छा, रिएक्शन इसलिए नहीं दिया कि हम हमला करे दे रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम बिजनेस ट्रेड्स खत्म कर देंगे। ठीक है, और किसी भी कंट्री के लिए जैसे कि रोजी से रोजा जुड़ा होता है, तो हमारी कंट्री के लिए भी रोजी से रोजा ही जुड़ा हुआ था। हम कोई ऐसा नहीं है, डेवलप्ड कंट्री है, हम अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमें भी कुछ ना कुछ एक्शन दिखाना था ना, तो दिया, लिया गया। अब आगे कोर्ट डिसाइड करेगा, वहां पे इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, सारी चीजें हर पहलू को ध्यान में रखा जाएगा, दोनों तरफ के लोग जिरा करेंगे, और जो फैसला आएगा वो हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे, है ना। तो बिल्कुल माने। और दूसरी चीज मोमिन साहब, एक और चीज अपने दिमाग से ये चीज निकाल के बिल्कुल चलिए। देखिए, जावेद अख्तर साहब ने एक बात कही है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, किसी इंटरव्यू में उन्होंने कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, कि अगर आप गलती से एक की बजाय दो पन्ने पलट जाए ना, तो 100 साल निकल जाते हैं, है ना। तो ये 5, 10, 15 सालों की बातों के लिए परेशान मत होइए, वक्फा है, गुजर जाएगा। इसको ये ना समझिए कि आपकी और आल औलादों के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं, ये इंडिया है, हजारों साल से यहाँ की जो तहजीब है ये हमको 1000 साल से तो पालती आ रही है मुसलमानों को, कम से कम, उससे पहले भी बहुत ही खुली तहजीब रही है ये और हमेशा रहेगी। कुछ लोग अच्छे बुरे हर तरफ होते हैं, उनके लिए आप नहीं, तो मेरा खुद का बचपन से भी मानना है कि हम लोग तो हिंदू ही थे, हम तो कन्वर्ट किए गए लोग हैं, ये बात सच है, तो खुद का भी मानना है। ठीक है, वो अब आपके अकीदा अब क्या है उस पे मैटर करता है ना। आप अब अगर मैं मुसलमान पैदा हुआ था, मैं अब नास्तिक हूँ, तो मेरे लिए या भारत के संविधान के हिसाब से मेरा अकीदा नास्तिक का है आज, बस खत्म हो गई बात। पीछे क्या था क्या नहीं था उससे कोई मतलब नहीं, आप हिंदू पैदा हुए थे, मुसलमान पैदा हुए थे, क्रिश्चियन पैदा हुए थे, डजंट मैटर। तो पहली चीज तो ये डर निकाल दीजिए ना भाई, आपके माँ बाप भी मुसलमान होंगे, बिल्कुल, तो क्या आपने इस चीज को जांचा, परखा, टटोला कभी आपने कि जिस आइडियोलॉजी में, जिस फेथ में आप है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, आपने देखा इसको? जितना हमारे बच्चों की आवाज आ रही, बहुत शोर आ रहा आपके पास, थोड़ा सा पीस वाली जगह पे आ जाइए आप, और जब आप बात नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से म्यूट कीजिए, और बात करते वक्त म्यूट खोलिए आप। जी जी सर, बोलिए जी। तो आप तो इस्लाम को कबूल नहीं किया ना, आप तो पैदा हुए, आपके कानों में अजान दे दी गई, आपकी मर्जी पूछे बगैर आपकी खतना कर दी गई, आपका नाम रख दिया गया, आपको ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दिया गया, आपको ना समझ में आने वाले अरबी में कई चीजें रटवा दी गई, आपने तोते की तरह उनको रट लिया, बन गए आप मुसलमान। आपने कभी क्रॉस वेरीफाई किया इन चीजों को? कभी जरूरत ही नहीं समझी। हाँ, तो आप इस बात पे मुतमईन है ना कि मेराज का वाकया हुआ था, एक बुराक पे बैठकर आप? हाँ, बुराक पे जी, सात आसमान पार गए थे, ये तो मान लिया ना आपने इस बात को? हाँ, उनको नमाज मिली, पहले
50 वक्त की मिली, फिर घटते घटते 5 वक्त की लेके आए। अब अब कर लो बात। अब इस तरह की अलिफ लैलवी कहानी के ऊपर अगर आप अपने पूरे फेथ की बुनियाद रखेंगे तो कैसी बात होंगी आपसे, क्या बात करेगा कोई भी आदमी। अब आपको ये प्रूव करना ही नहीं है, बस आपको बोले जाना है कि भाई ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था। नहीं सर, वो बात तो वक्त के साथ बीत गई, अब तो बात खत्म हो जानी चाहिए। अब तो हम ये देखें कि कल्पना चावला हमारी चांद पे हो जाएंगे। नहीं नहीं, तो ये बताइए ना, खत्म होनी चाहिए मोमिन भाई, लेकिन क्या इस्लाम आपको इस बात की इजाजत देता है कि पुरानी चीजों को आप बदल सके? जो आपकी किताब है वो मुकम्मल किताब है, अल किताब जो है वो खुद कहती है कि मुकम्मल हूं मैं। और ये जो आप जिंदगी जी रहे हैं, जो चीजें देख रहे हैं, देखिए मेरा अपना ये मानना है, जो आपने देखा अपनी आंखों से, जो अपने कानों से सुना, जो अपनी जबान से चखा, और जो अपनी अपने आपने एहसास किया जिन चीजों का, स्किन से जो आपके सेंसेस हैं, इसके अलावा सारी बातें बेमायनी है। आपके बदन के साथ कुछ भी नहीं जाएगा। आप भले जला दिए जाएं, आप भले दफना दिए जाएं, आप कुत्तों में डाल दिए जाएं, आपके टुकड़े करके फेंक दिए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब तक जिंदा हैं सिर्फ यही एहसास आपके साथ तब भी है, और आपके जाते वक्त भी यही एहसास होगा। इनके अलावा कुछ नहीं है। आपकी कानों में दुआएं पढ़ी जाएं, मंत्र पढ़े जाएं, आपके जनाजे की नमाज हो या मंत्र उस वक्त पढ़े जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप मर चुके हैं। आपको जब एनेस्थीसिया लगती है, शायद आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो ना हुआ हो मुझे नहीं पता, लेकिन जब जनरल एनेस्थीसिया जैसे जीए कहते हैं लगती है, तो अगले 3-4-5 घंटे तक या 10 घंटे तक जितनी देर भी आपका ऑपरेशन चलता है, आपको पता भी नहीं होता है कि आपके बदन के साथ क्या किया जा रहा है। तो आप उस कंडीशन को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जहां पे आपका दिमाग डेड हो चुका है? अभी तो आपका दिमाग का सिर्फ एनेस्थीसिया लगने के बाद बदन से कनेक्शन टूटा होता है यार, दिमाग ही डेड हो गया। और आप ये कहते हैं कि कब्र में आपके फरिश्ते आएंगे, आपने किसी की कब्र खुदवा करके देखी? मन रब्बू का, मन दीनू का। हाँ हाँ, ये तीन सवाल पूछने वाले आएंगे फरिश्ते कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारा रब कौन है। देखिए ये आपका अकीदा है, लेकिन मेरे हिसाब से निरी कोरी बकवास है ये। इसीलिए आपके जनाजे की नमाज पढ़ना पढ़ाने वाले खबर के ऊपर से ट्यूशन भी देते ना, ऊपर बैठ के अंदर वाले को। किस चीज का क्या आंसर देना है इस क्वेश्चनों का? वो तो बचपन से सिखाया जाता है कि आदमी अगर दीन के रास्ते पे चला होगा, वो कह देगा कि हाँ मेरा इस्लाम दीन है, अल्लाह की मानी होगी तो अल्लाह कह देगा। वो आपका मानना है। आप एक काम करिए मोमिन साहब। नहीं मानना नहीं भाई, मेरा मानना नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, कभी मैं भी मानता था। तो मेरा ये कहना है कि आप एक काम करिए, अगर आप वाकई में जिगरे वाले, देखिए अगर आपका ऊपर वाला ना करे आपके साथ कुछ, मौत आपकी इस तरीके से होती कि आपके बदन के चिथड़े उड़ जाते हैं और आपको आपकी जो जनाजा है वो पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हो पाता है, मतलब आपकी बॉडी एक जगह नहीं इंटीग्रेट की जा सकती और उसके बाद दफनाई जाए, आपके टुकड़े मिलते ही नहीं है, आपको जानवर खा जाते हैं, उस सूरत में भी आपकी कुछ ना कुछ चीजें तो दफनाई जाएंगी ना। तो बेहतर है उसी तरीके को मानते हुए, इंडिया में एक संस्था है जो कि आपके ऑर्गन्स जैसे ही आप मरेंगे आकर के निकाल लेगी, चाहे वो आपका दिल हो, चाहे वो आपकी आंखें हो, चाहे आपका लिवर अगर काम कर रहा है, किडनी काम कर रही है, वो चीजें निकाल करके किसी ना किसी जिंदा इंसान जिसको जरूरत होगी आप उसे डोनेट कर दें। और इंसानियत के लिए आप इससे बड़ा काम फिलहाल के तौर पे तो आप नहीं कर सकते ना। आप साइंटिस्ट हैं कि आप कुछ ईजाद करेंगे कि आने वाली पुश्तों को कुछ दे करके जाएं, तो कम से कम इतना करिए कि अपने ऑर्गन सारे डोनेट कर दीजिए आप, ताकि आप किसी तरीके से तो जिंदा रहें कम से कम। जी ये तो मेरी काफी सालों से तमन्ना है, आपसे बात करके याद हो गई। आप मुझे तो बस आप गूगल करिए और आपको फौरन दूसरे दिन आपके पास फोन आ जाएगा, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए वहां पर, और अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपको हर ये जो आपकी मैं चाहता हूँ करना जिस मगफिरत का आपको डर है ना, वो मगफिरत के डर से आपको उसी दिन निजात मिल जाएगी और आप मेरे से बड़े नास्तिक होंगे ये समझ लीजिए, क्योंकि आप
आस्तिक हैं, मैंने ऐसा कर रखा है, तो आप भी बेहतर होगा कि कुछ नहीं तो कुछ अंग तो अपने डोनेट जरूर कर दें अपनी मौत के ऊपर, आंखें तो कम से कम कर ही दीजिए। जी मैं वादा करता हूं जी। तो बस आपको सुकून मिलेगा, बाकी आपको किसी चीज की, किसी धर्म, किसी दीन, दुनिया, किसी तरीके की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। खुश खुर्रम रहिए, अच्छे से खाइए पीजिए, जो पांच सेंसेस हैं उनको सुकून दीजिए, बस यही आपके साथ जाएगा जिस वक्त आपकी आंखें बंद होंगी, और कुछ नहीं जाना। तो बेहतर है इस तरफ थोड़ा बढ़िए, और जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं मैं उनसे भी यही कहूंगा कि अगर आपको किसी भी तरीके से अपने समाज के लिए कुछ करना है, कुछ दे के जाना है, तो अपने ऑर्गन डोनेशन की तरफ जरूर जाइए। जी भाई, खाजा भाई, जी भाई, खाजा भाई, हाँ भाई बोलिए, आवाज नहीं आ रही यार, क्या हो गया? आ रही है उनकी, मेरे पास नहीं आ रही है। और खाजा भाई वो आप दाराशिको भाई का और सचवाला जी का और